बीसीसीआई ने आईपीएल के आगामी सीजन को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। पहले यह टूर्नामेंट 29 मार्च से होना था, लेकिन बीसीसीआई ने कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित करने का फैसला लिया है। अब इसकी शुरुआत 15 अप्रैल से होगी। सभी 8 टीमों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि बीसीसीआई ने आईपीएल के आगामी सीजन को 15 अप्रैल तक स्थगित करने का फैसला किया है। यह फैसला कोरोना वायरस के कारण फैली स्थिति के कारण लिया गया है। बीसीसीआई ने अपने बयान में लिखा, बोर्ड अपने सभी हितधारकों को लेकर चिंतित है। इसे बड़े पैमाने पर देखा जाए तो सामाजिक स्वास्थ्य को लेकर हम इस बात को सुनिश्चित करने को लेकर सभी कदम उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आईपीएल से जुड़े सभी लोगों, जिसमें प्रशंसक भी शामिल हैं, सभी को सुरक्षित माहौल मिले। बोर्ड ने बयान में आगे लिखा, बीसीसीआई भारत सरकार, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सभी जरूरी केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ इस संबंध में बातचीत कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है और भारत में अब तक 76 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। कर्नाटक में गुरुवार को इस बीमारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने 15 अप्रैल तक वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस कारण आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों का शामिल होना असंभव हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए।